खबर पोहरी अनुभाग के गोवर्धन थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहां दो माह पूर्व हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे तीन इनामी आरोपियों को गोवर्धन थाना प्रभारी आरएस धाकड़ सहित पुलिस बल ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार खेरवानी में बीते 9 दिसंबर को 5 लोगों ने 3 लोगों के साथ मारपीट कर मरणासन्न स्थिति में पहुंचाकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जब सुराग नहीं लगने पर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने 2000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया, जिस पर गोवर्धन थाना प्रभारी में शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि को सिद्धपुरा गसवानी के जंगल से 3 आरोपियों को पकड़ा, जिन्हें न्यायालय पेश किया, जहाँ से जेल भेज दिया है। बैराड से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, आरोपी दो आरोपियों का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध है थाना गोवर्धन अंतर्गत, और जो माननीय न्यायालय के इनके स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए, उसमें भी इनकी आवश्यकता थी। सर, कितने रुपए का ये घोषित इनाम था इन लोगों के ऊपर? प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया था। दो आरोपी सर आपने पूर्व में गिरफ्तार किए थे? हाँ, इससे पूर्व में दो आरोपी गिरफ्तार किए चुके हैं। आज दिनांक में? आज दिनांक में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी पर 2000 का इनाम घोषित है? हाँ, प्रत्येक पर 2000 रुपये का इनाम घोषित है। खैरवानी जिला गछवानी के द्वारा एक रिपोर्ट की थी कि उसकी पत्नी माता पिता को जमीनी विवाद पर से आरोपी सुनील धारा सोने राम मुकेश और सुरेश कुशवाहा निवासी सिद्धपुरा ने उनके साथ प्राणघातक हमला किया है, जिस पर से अपराध क्रमांक 112/22 धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी गण चूंकि मूलतः मुरैना जिले के रहने वाले हैं, तो घटना के बाद में तुरंत वो लोग फरार हो गए थे, जिस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दो आरोपी गणों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, शेष 3 आरोपी करीबन 2 माह से फरार चल रहे थे और काफ़ी मुरैना श्योपुर रामपुर सभी जगह दबिश दी गई थी, परंतु आरोपी अपना निवास स्थान छोड़कर फरार हो चुके थे। कल मुखबिर की सूचना पर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।